हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर करे आप लोग मस्त रहे। आशा है कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, इसी वजह से मैं ये दूसरा पार्ट बनाई हूँ। तो पहले पार्ट में आप सभी देखे होंगे कि मैं बाहर पूजा कर रही हूँ। तो बाहर पहले पूजा कर लेते तभी घर में पूजा होता है। तो बाहर 5, 7 या 9 जितने भी दीपक जलाना हो, पहले मैं बाहर पूजा हो गया था। जिसके यहाँ जैसा होता है, तो हमारे यहाँ 7 दीपक जलाया गया था। तो 5 घर में रखा गया था, 2 दरवाजे पे साइड में दोनों तरफ रखे गए थे एक एक। तो ये बाहर पूजा करने के बाद ही फिर और कहीं दीपक जला के रखा जाता है। तो बाहर का पूजा हो गया था तो फिर पूरे घर में दीपक जला के रखे गए सजा के। तो ये देखिए, पूजा हो चुकी है हमारी, दीपक जल चुका है पूरे घर में। तो ये मैं रंगोली बना रही हूँ। तो हम मेरे पास रंगोली बनाने के लिए कलर नहीं थे, तो मैं नहीं बनाने वाली थी। लेकिन मेरी सासू माँ बोली कि रंगोली नहीं बना रही। मैं कही मम्मी जी है नहीं कलर मेरे पास, इसीलिए मैं रंगोली नहीं बनाऊंगी इस बार। तो मम्मी जी कह रही है तो ये 1-2 कलर, तो 1 ही 2 कलर थे। तो मैं सोची चलो दिमाग लगाते हैं, बनाया जाता है। तो मेरे पास वैसे तो कलर नहीं थे, तो थोड़ा वो मतलब आटा ले ली और हल्दी ले ली, जो महावर लगाया जाता है, कुमकुम ले लिए। तो वो यही सब मैं लेके इकट्ठा करके तो मैं रंगोली बनाई जैसे तैसे। तो अगर आप सभी को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं चारों तरफ पहले गोल जो चूड़ी होता है जो हाथों में पहना जाता है, तो उसी को मैं रख देती, उसी के सहारे से मैं ये सारा डिजाइन बनाई हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो ये मैं गोल को दोनों चारों तरफ मतलब चूड़ी रख दी थी, पहले बीच में रख दी थी और साइड साइड में रख दी, 6 मतलब 7 चूड़ियाँ लेके सजा दी और उसी के अंदर आटा रख दी और उंगली के सहारे से बनाती गई डिजाइन। तो आप लोग देखिए कि मैं कैसे डिजाइन बना रही हूँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये मैं हल्दी ली हूँ, तो ये साइड साइड में हल्दी लगाई हूँ। तो मैं डिजाइन बनाऊँगी। तो मेरे पति को तो ये वाला मतलब रंगोली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, कह रहे थे कैसे बनाई हूँ। मैं बोली बस दिमाग लगाई हूँ, था नहीं आप खरीदे नहीं क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला था। मेरे पति जी को टाइम नहीं मिला था रंगोली का कलर ख़रीदने के लिए, क्योंकि वो दुकान में ही बिजी थे। नहीं तो जाते तो ख़रीद के लाते, लेकिन उन्हें समय ही नहीं मिला, तो क्या करें। तो मैं इसी तरह बनाई, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। कलर नहीं था फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है ये रंगोली, पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो तारीफ़ कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चाय छानने वाली छन्नी है, तो उसी से ही मैं कर रही हूँ ताकि अच्छा लगे, ज़्यादा भरा भरा ना लगे, पूरे में भर जाए अच्छे से, डिजाइन अच्छा लगे देखने में। तो ये देखिए, आप लोग बने रहिए, मैं कैसे कैसे बना रही हूँ रंगोली।
देखिए मेरी रंगोली भी पूरी हो गई है। मेरे पति देव तो तारीफ करके वो नहा धो के चले गए दुकान पर, क्योंकि दुकान पर भी हमारी पूजा होती है हर साल, तो नहा धो के वो चले गए हैं। अब मम्मी जी भी वहीं हैं, पूजा होने के बाद ही सभी लोग आएंगे दुकान से घर पर। तो ये बगल में प्रसाद है, रात को समय नहीं मिलेगा तो सुबह मम्मी जी बांटेंगी सबके घर प्रसाद। तो ये मैं रंगोली बनाने के बाद चारों तरफ दिए जला दूंगी। तो जलाने के बाद मेरे को अभी खाना बनाना है। तो खाना में क्या बनेगा, दिवाली के दिन हमारे घर पकौड़ी बनती है और कढ़ी चावल, यही सब बनता है, पकौड़ी वगैरह। तो हमारे घर हर साल यही बनता है। तो ये देखिए मेरी रंगोली तो बन गई है और डुगू वेट कर रहा है कि पापा कब आएंगे तो हम लोग पटाखे छोड़ेंगे। तो मैं बोली अभी आएगा, वो अभी आया था, परेशान करके मेरे को चला गया कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं, मम्मी ये क्या बना रही हो, मम्मी ये क्या बना रही हो। तो उसे हर बात मेरे को समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, क्योंकि अभी छोटा है, यूनिक यूनिक चीज़ें देखता है तो वो क्वेश्चन पूछता ही रहता है, तो बताना पड़ता है। तो पूछ के फिर वो चला गया था। आप पापा जी आ गए थे पूजा के लिए, चावल घट गया था अक्षत, तो वही मांग रहे थे तो मैं उन्हें निकाल के दे दी, क्योंकि मम्मी जी भूल गई थी ले जाना, शायद ले गई थी थोड़ा सा, तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए तो पापा जी आए थे तो लेके गए हैं। तो इधर मेरा रंगोली फाइनल हो गया है लगभग, थोड़ा सा और बाकी है। मुझे ये रंगोली बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा है, लेकिन मेहनत लगा, लेकिन अच्छा लग रहा था बनने के बाद। तो बनने के बाद मैं यहाँ पर दिए वगैरह भी जलाऊंगी, दीपक। तो इधर डुंगू फिर से आ गया था परेशान करने, कह रहा था कि मम्मी चाचा आए हैं खाना मांग रहे हैं, तो मैं चली गई थी उन्हें खाना देने। तो चली गई खाना देने के बाद फिर मैं आई तो रंगोली फाइनल करी। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करी थी इसलिए मैं इसी में ही सब बता दे रही हूँ, क्योंकि डुगू परेशान करता है इसी वजह से। पता है दोस्तों, जब त्यौहार आता है तो बचपन की यादें आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो स्कूल लाइफ याद आता है, क्योंकि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मतलब त्यौहार आता था तो इतनी खुशी मिलती थी, एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे सभी लोग के साथ, क्योंकि इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं रहती थी काम वगैरह का, क्योंकि ये सारा काम तो मम्मी लोग संभालते थे इसी वजह से। तो हम लोग खूब मस्ती करते थे। तो शादी के बाद ये सारी जिम्मेदारी आ जाती है, पहले काम फिर दूसरा काम करो। तो जब ससुराल आते तभी ये सब चीज़ें याद आती है, पास्ट के बाद है, जो पास्ट में चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो इसलिए जब तक सिंगल है तो खुशी से लाइफ को जी लो, कब ये मौका मिले या ये ना मिले। वैसे तो नहीं मिलता है शादी के बाद ये मौका, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी आ जाती है अपने ऊपर, तो मिल ही नहीं पाता है। ये देखिए दोस्तों मेरी रंगोली फाइनल हो गई है,
तो अब मैं माता जी का पैर बना रही हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम बनाई तो थोड़ा अच्छे से नहीं बना, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। तो ये महावर था तो उसी से मैं रंग दी, क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए थे दिवाली का, क्योंकि इन्हें जब त्यौहार आता है तो इन्हें टाइम ही नहीं मिलता है कुछ चीज़ शॉपिंग करने का, उसी में बिज़ी रहते हैं दुकान पर ही। तो मैं जैसे जैसे मेरे दिमाग में आया मैं बना दी हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा? तो मैं माता जी का पैर बना के फिर दीपक जला दी, उनके सामने रख दी जलाने के बाद। तो फिर मैं पूजा करी थी तो पैर, ये देखिए दोस्तों मेरा माता जी का पैर बन गया। मैं उनके सामने दीपक जला के रख दी हूँ। अब मैं जब पूजा करी थी तो पैसे रखना भूल गई थी, तो मैं माता जी के पास पैसे रखूँगी। जिसकी जितनी शक्ति होती है उतने माता जी के पास पैसे रखते हैं। तो मैं रखने के बाद जो भी मेरे से गलती हुई थी तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ माता रानी से, कि मेरे से जो भी लक्ष्मी जी गलती हुई हो तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा छोटा समझ के। तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी। तो ये देखिए मैं हाथ जोड़ के बैठी हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, और फिर मैं माथा टेक के मैं रिक्वेस्ट करने लगी लक्ष्मी जी से, कोई भी गलती हुई है तो मैं क्षमा कर दीजिएगा। आइए देखिए दोस्तों मेरा पूजा घर कितना सुंदर लग रहा है। आइए मेरी रंगोली भी बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर लगी। अगर आप सभी को मेरी रंगोली पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों डुग्गू सो गया था रात को 11 बजे ये आए थे, तब हम लोग थोड़े से पटाखे छोड़े थे और चक्री छोड़े थे। तो फिर छोड़ने के बाद हम लोग नीचे जाके खाना पीना खाए, ये डांस करने लगे थोड़ा सा कैमरे के सामने। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।